हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं। मैं कहा बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ मंदिर, कोरोना की वजह से। तो इसलिए हम आज चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चैतन्यमृत के ऊपर, जो सार्वभौम भट्टाचार्य को उधार महाप्रभु ने किया था। उस लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया है कृष्णा श्रीराज गोस्वामी जी ने। उसको मैं थोड़ी तो चर्चा करने की कोशिश करूँगा। मुझे कुछ गलती हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य महेश्वर विशारद के पुत्र थे और नदिया के निवासी थे। फिर उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। क्षेत्र संन्यास का क्या अर्थ होता है कि जब हमें वानप्रस्थ लेना होता है तो हम या तो जंगल में जाके वन में जाके रह सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन होता है कि हम जैसे नवदीप है या जगन्नाथपुरी है या वृंदावन है, वहाँ जाके भगवान की सेवा में लग जाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे ही वहाँ जाके लग गए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य का पहले का नाम था वासुदेव सार्वभौम और उनके भाई का नाम था मधुसूदन वाचस्पति। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी के हेड पंडित थे और राजा प्रताप उनको बहुत मानते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी फिलोसॉफी पे चलते थे, शंकराचार्य के उस परंपरा में थे वो। तो वे क्या मानते थे कि भगवान निराकार है। फिर मायावादी लोग क्या कहते हैं कि भगवान है पर वो भौतिक प्रकृति के अंदर में है। जैसे भगवान कृष्ण या भगवान राम आते हैं तो वे उनको तो मानते हैं, पर वे मानते हैं कि उनको शरीर भौतिक प्रकृति द्वारा दिया गया है, तो इससे ऊपर पर ब्रह्म है और ब्रह्म ही सब कुछ है, उसमें मिलना ही हमारी मुक्ति है। तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं हमेशा मायावादी लोग। तो जब महाप्रभु क्या हुआ था, जब नवदीप से निकले थे जगन्नाथपुरी के लिए, तो नित्यानंद प्रभु जी ने उनका दंड तोड़ दिया था। तो दंड तोड़ने की वजह से महाप्रभु बड़े रुष्ट हुए थे। तो महाप्रभु ने ये कहा उन सभी को, मुकुंद थे, चित्तरंजन थे, दामोदर पंडित थे उनके साथ में, कि मैं तुम लोगों के साथ जगन्नाथ जी नहीं जा सकता हूँ, या तो तुम पहले चले जाओ या मैं पहले चले जाता हूँ। तो मुकुंद कहते हैं महाप्रभु को कि महाप्रभु आप पहले जाइए, हम आपके पीछे आते हैं। तो महाप्रभु फिर जगन्नाथ मंदिर पहुँचते हैं। जगन्नाथ मंदिर जब पहुँचते हैं तो वे भाव विभोर हो जाते हैं जगन्नाथ जी को देख के। अब जैसे जगन्नाथ जी को देख के भाव विभोर होते हैं, उनमें अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। अष्ट सात्विक विकार क्या होते हैं? रोमांच, स्तंभित होना, प्रस्वेद होना, रोमांच होना, कंपन होना, अश्रुतरण और गला अवरुद्ध हो जाना, और विवर्ण होना और बेहोश हो जाना। तो ये आठ सात्विक विकार इनको कहते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, स्तंभित होना। स्तंभित होना मतलब खंभे के जैसे खड़े हो गए, एकदम से हम अस्टॉनिश हो जाता ना, खड़े हो गए स्तंभ। तो और प्रस्वेद होना पसीना आना, मतलब प्रस्वेद का पसीना आना। रोमांच मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाना, और कंपन बॉडी में कंपन आने लग जाता। अश्रुतरण आपके आंखों पे आंसू बह रहे, और गला अवरुद्ध हो जाता है, और विवर्ण मतलब बॉडी का रंग चेंज हो जाता है, और लास्ट है बेहोश हो जाना। तो ये आठों के आठों विकार महाप्रभु ने उसमें वहां पर प्रकट किए। शास्त्रों में वर्णन है कि या तो कोई किसी भी मनुष्य में दो विकार आ सकते हैं, शुद्ध भक्त भगवान का उसमें दो विकार आ सकते हैं, या पांच या छह विकार आ सकते हैं, आठों विकार किसी में नहीं आ सकते हैं। और सर्व भट्टाचार्य ये बात शास्त्रों के पूरे ज्ञाता थे। ये थे वो मायावादी पर वो शास्त्रों के पूरे ज्ञाता थे। उनसे बड़ा उस टाइम पर कोई विद्वान ना था पूरे दुनिया में, इतने विद्वान थे सर्व भट्टाचार्य। तो जब महाप्रभु ऐसे बेहोश हो गए तो क्या था कि वहाँ पे जो दूसरे लोग थे जगन्नाथपुरी मंदिर के पंडित थे, उनकी रोज की आदत थी, क्योंकि रोज लोग आगे नाटक करते थे कि हमें पसीना आ रहा है, आंसू आ रहा है, और ऐसे नाटक करते थे। तो उनका वो आदि थे, तो क्या उनको उठा के बाहर फेंक दो महाप्रभु को। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको रोका, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए थे कि ऐसा ही नॉर्मल इंसान में सब भाव प्रकट नहीं हो सकते हैं, ये कोई ना कोई महापुरुष है। तो वो उन सभी को बोलते हैं सेवकों को कि इनको आप मेरे घर पे छोड़ दो। तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे पहुंच जाते हैं। अब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे पहुंचने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य सोचते रहते हैं, महाप्रभु बेहोश हैं, लेटे हुए हैं, सार्वभौम सोचते हैं कि ये मनुष्य में इतने विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, ये क्या है, इसके अंदर कौन है, ये पूरा विचार कर रहे होते हैं। पर वो अपने कुछ दूसरी समझ नहीं पाते कि वो भगवान है। फिर वो क्या करते हैं कि रुई लगा के उनके नाक पे देखते हैं कि कहीं ये मर तो नहीं, सांस तो ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो वे रुई लगा के देखते हैं तो चल रही होती सांस, तो वे संतुष्ट होते हैं।
इतने क्या होता है कि मुकुंद और निर्यातन कपूर सब पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी और उनको खबर मिल जाती है कि महाप्रभु को कोई सर्व भट्टाचार्य अपने घर लेके गए हैं। तो उसी समय गोपीनाथ आचार्य आते हैं वहाँ पे मुकुंद से मिलने के। गोपीनाथ आचार्य सर्व भट्टाचार्य के बहने होते हैं, उनकी बहन के पति होते हैं, वो भी नवद्वीप के निवासी होते हैं। तो मुकुंद को अच्छी तरह जानते होते हैं गोपीनाथ आचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य मुकुंद जैसे मिलते हैं दोनों दूसरे को प्रणाम करते हैं और अभिनंदन करते हैं। फिर मुकुंद उनको बताते हैं कि महाप्रभु यहाँ आए थे और हमें सुना है कि वो सर्व भट्टाचार्य के घर उनको लेके गए हैं, तो आप हमें कृपा करके उनके घर पे लेके चलिए। तो गोपीनाथ जैसे सुनते हैं कि महाप्रभु यहाँ आए, बड़े खुश प्रसन्न होते हैं और उनको वो सर्व भट्टाचार्य के घर पे लेके जाते हैं। सभी को सर्व भट्टाचार्य के अंदर जाके गोपीनाथ पहले सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं कि सभी लोग आए हैं, बाहर खड़े हैं, और वे उस समय महाप्रभु को देखते हैं। एक तो बहुत प्रसन्न होते हैं महाप्रभु को देख के, इतने टाइम बाद देखा होता है, और दुखी होते हैं कि महाप्रभु बेहोश होते हैं शोक में। उसके बाद नित्यानंद प्रभु अंदर घुसते हैं तो सर्व भट्टाचार्य उनको प्रणाम करते हैं और फिर उनके साथ वो सब भी नित्यानंद प्रभु मुकुंद सब देखते हैं महाप्रभु को, बड़े दुखी होते हैं। फिर सर्व भट्टाचार्य कहते हैं कि आप लोग जाके पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ जाओ, तब तक महाप्रभु के पता होश आ जाए। तो नित्यानंद प्रभु मुकुंद जगदानंद सब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे जब दर्शन करने के जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु भी फिर उनके अंदर भी जगन्नाथ जी को देख के भाव प्रकट हो जाते हैं। फिर वे अपने आप को संभालते हैं और जो पुजारी होता है वो नित्यानंद प्रभु को माला और प्रदान करता है। फिर वे लोग वापस सर्व भट्टाचार्य के घर पर आ जाते हैं। सर्व भट्टाचार्य के घर पर आने के बाद में नित्यानंद प्रभु मुकुंद और सभी लोग मिलकर बहुत जोरदार कीर्तन करते हैं। काफी टाइम बाद कीर्तन करने के बाद में महाप्रभु को होश आ जाता है। तो महाप्रभु जैसे खड़े होते हैं तो सर्व भट्टाचार्य उन सभी को बोलते हैं कि आप जाके समुद्र में स्नान करके आ जाइए, फिर भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो महाप्रभु जाते हैं और सब स्नान करके वापस सर्व भट्टाचार्य के घर आ जाते हैं। सर्व भट्टाचार्य ने जगन्नाथ जी का बहुत सारा प्रसाद महाप्रसाद मांगा कर रखा होता है और उन सबको परोसते हैं। तो महाप्रभु को क्या होता है कि सोने की थाली में परोसते हैं, सोने की थाली में। महाप्रभु सन्यासी होते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि आप मुझे इसके अंदर क्यों दे रहे हैं और मुझे खाली उबली हुई सब्जियां दे दीजिए और जो भी आप गरिष्ठ भोजन लाए वो मेरे सभी जो साथ में उनको करा दीजिए। तो सर्व भट्टाचार्य कहते हैं नहीं, आप आज जगन्नाथ जी से भोजन कीजिए और ये सब महाप्रसाद और प्रसाद को ग्रहण कीजिए। सर्व भट्टाचार्य गोपीनाथ सभी को प्रसाद ग्रहण कराते हैं। फिर उनको प्रसाद कराने के बाद में सर्व भट्टाचार्य और गोपीनाथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते हैं। सर्व भट्टाचार्य जी जब वापस प्रसाद लेके आ जाते हैं वापस महाप्रभु के सामने, तब उनको वो बोलते हैं ओम नमो नारायण। मायावादी लोग किसी को मिलेंगे ना तो बोलते ओम नमो नारायण। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि वो हर एक को नारायण समझते हैं। तो ये नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो जैसे ही महाप्रभु ने सुना तो महाप्रभु बोलते हैं कृष्णेर मति अस्तु। क्या बोलते हैं, कृष्णेर मति अस्तु, कृष्ण में आपकी मति हो। तो हम कभी भी जैसे हम लायक नहीं आशीर्वाद देने किसी को भी, पर हमें अगर किसी को आशीर्वाद भी देना हो तो क्या बोलना चाहिए, कृष्णे मति अस्तु। बोलिए आप सब मेरे पीछे, कृष्णे कृष्णे नहीं, कृष्णे मति अस्तु, ठीक है, याद रहेगा। इसका मतलब है कि आपकी आपकी जो है आपको भी भगवान की ध्यान है, ध्यान में मति लगी आपकी। तो जैसे ये बोलते हैं तो सर्व भट्टाचार्य समझ जाते हैं कि ये वैष्णव सन्यासी हैं, क्योंकि वैष्णव ही ऐसे ग्रीट करता है मायावादी, तो ओम नमो नारायण करके ग्रीट करता था। तब उसके बाद में वे बैठ जाते हैं और गोपीनाथ आचार्य से पूछते हैं कि इनके बारे में मुझे बताइए कि ये कहाँ के निवासी हैं और क्या करने वाले हैं। तब गोपीनाथ आचार्य बताते हैं कि ये नवद्वीप के वासी हैं, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं और नीलांबर चक्रवर्ती के नाती हैं। तो जैसे ही नीलांबर चक्रवर्ती के नाम सुनते हैं सर्व भट्टाचार्य, तो सर्व भट्टाचार्य के नीलांबर चक्रवर्ती को जानते होते हैं, क्योंकि महेश्वर विशारद जो उनके पिता होते हैं और नीलांबर चक्रवर्ती दोनों सहपाठी होते हैं, दोनों एक साथ पढ़े हुए होते हैं, तो वे अच्छी तरह से उनको जानते होते हैं और जगन्नाथ मिश्र को भी जानते होते हैं सर्व भट्टाचार्य, जो बहुत पसंद होते हैं कि नवद्वीप का वासी यहाँ पे आया है। फिर उसके बाद में वे अपनी भिन्नता से सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। क्या आप सन्यासी हैं, सर्व भट्टाचार्य बोलते बहुत विनीत थे, उनके अंदर ज्ञान पूरा था पर घमंड नहीं था, पर थे मायावादी। महाप्रभु बोलते हैं कि आप सन्यासी हैं, आप मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तो तरुण सन्यासी हूँ और आप तो सन्यासों को भी वेदांत सूत्र पढ़ाते हो, सर्व भट्टाचार्य क्या थे
थे तो ग्रस्त और सन्यासियों की क्लास लिया करते थे, सन्यासियों के सामने बैठ के और वो वेदांत सूत्र का पढ़ा करते थे। वेदांत सूत्र क्या है? जो उपनिषद होते हैं उनका सार, सभी का सार के रूप में व्यासदेव जी ने लिखा है वेदांत सूत्र को, तो उसको वेदांत सूत्र कहा जाता है। तो वे इसमें अलग अलग टिप्पणियां हैं जो शंकराचार्य ने टिप्पणी की हुई है, उसको शारीरिक भाष्य कहते हैं। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे वो शारीरिक भाष्य जो था वेदांत सूत्र का वो पढ़ाया करते थे सन्यासियों को। तो जब सन्यासियों ने महाप्रभु ने ऐसा बोला तो क्या आप तो सब सन्यासियों को ऐसा पढ़ाते हो और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, और आज इतनी बड़ी विपता आई कि मैं जगन्नाथ मंदिर में था, अगर आप नहीं होते तो मेरे साथ क्या होता मुझे पता नहीं, आपकी वजह से मैं बच गया। तो सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं हाँ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप कभी भी दर्शन करने के लिए जाए जगन्नाथ में तो अकेले ना जाए, या तो मेरे साथ जाए या किसी को साथ में लेके जाए। तो महाप्रभु कहते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी गरुड़ स्तंभ के आगे नहीं जाऊंगा। तो महाप्रभु ने उसका कभी भी दर्शन किए, तो गरुड़ स्तंभ जो है जगन्नाथपुरी, आप कभी गए हो तो गरुड़ स्तंभ के वहाँ खड़े हो गए महाप्रभु दर्शन किया करते थे जगन्नाथ जी का, आगे नहीं जाया करते थे। तो ये सब बोलने के बाद में फिर सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं गोपीनाथ मिश्र को कि मेरे मौसी का घर खाली है, तो महाप्रभु को वहाँ रहने का इंतजाम और इन सबका वहाँ मेरे मौसी के घर में कर दीजिए और उनके खाने वाने का सब इंतजाम आप देख लीजिए। तो महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य के साथ चले जाते हैं और मौसी के घर में सर्वभौम भट्टाचार्य जो मौसी घर है वहाँ रहने लग जाते हैं। अगले दिन सुबह गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी के दर्शन के लेके जाते हैं। तो सुबह दर्शन करने के बाद महाप्रभु वापस घर पर चले जाते हैं। गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद ये दोनों सर्वभौम भट्टाचार्य से मिलने के लिए आते हैं। आप समझ रहे हैं सब अभी तक सुनने वाले पूरी स्क्रीन नहीं है। सर्वभौम भट्टाचार्य के घर पर गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद मिलने के लिए आते हैं। तब सर्वभौम भट्टाचार्य उनसे पूछते हैं कि महाप्रभु का नाम क्या है, क्योंकि नाम पूछे हैं तो उन्होंने इनका नाम क्या है, ये बहुत ही तरुण सन्यासी है, विनीत सन्यासी है, विनम्र सन्यासी है, मुझे इन पर बहुत स्नेह आ रहा है, तो इनका नाम क्या है और उन्होंने किससे दीक्षा ली, सन्यास दीक्षा किससे ली। तो गोपीनाथ आचार्य बताते हैं कि इनका नाम कृष्ण चैतन्य है और उन्होंने भाग्यवान केशव भारती से दीक्षा ली है। अब जैसे ही केशव भारती का नाम सुनते हैं तो सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं अरे ये तो द्वयम चर्चा के सन्यासी है। जो शंकराचार्य का संप्रदाय है उसमें 10 सन्यासियों की उपाधियां हैं। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे, तो हर एक में हर मठ के अलग अलग सन्यासी हैं। जैसे जो 10 सन्यासियों के नाम आते हैं उसमें तीर्थ है, तीर्थ आता है आश्रम, जैसे 10 उपाधि बता रहा हूँ, तीर्थ आश्रम वन अरण्य और वन अरण्य के बाद आता है गिरी पर्वत और सागर सरस्वती भारती और पुरी, 10 उपाधियां हैं सन्यासों की शंकराचार्य के मठ के अंदर। तो जो सरस्वती और तीर्थ आश्रम और सरस्वती ये सबको फर्स्ट क्वालिटी माना जाता है, फर्स्ट कैटेगरी सन्यासी, तीर्थ आश्रम और सरस्वती, और जो भारती है या पुरी है ये सेकंड दर्जे के आते हैं। तो जब सर्वभौम भट्टाचार्य सुना कि महाप्रभु भारती केशव भारती सन्यास लिए हैं तो उन्हें अजीब लगा कि मैं ये नीचे दर्जे में सन्यास क्यों लिए हैं। तो वे कहते हैं कि सन्यासी तरुण है तो मैं एक तो इसकी उपाधि गलत है तो मैं इसकी उपाधि बदला दूंगा, मैं उसको वापस से सन्यास दिलाता हूँ सरस्वती से ताकि उनको उपाधि सरस्वती हो जाए। कृष्ण चैतन्य नाम जो था, ये जो चैतन्य नाम है उन्होंने महाप्रभु ने अपना नाम नहीं बदला था, सन्यास होने के बाद में उनका नाम भी कृष्ण भारती हो जाना चाहिए जैसे, तो उन्होंने लेकिन अपना चैतन्य नाम रखा था। चैतन्य क्या होता है, जैसे ये जो सन्यासी होते हैं इनके जो ब्रह्मचारी जो सेवक होते हैं उनका नाम होता है, जो सरस्वती भारती और पुरी ये तीनों के जो सन्यास ब्रह्मचारी सेवक को चैतन्य कहा जाता है, और तीर्थ आश्रम वाले को उनको स्वरूप कहा जाता है, स्वरूप तीर्थ आश्रम वालों को स्वरूप कहा जाता है, तो उनको इसलिए चैतन्य नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि मैं इनका नाम बदल के सरस्वती कर दूंगा। तो गोपीनाथ आचार्य ने सभी सुना तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि वो तो पूर्ण भगवान है, पूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है, उनको किसी उपाधि की जरूरत नहीं है। सर्वभौम भट्टाचार्य इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि तरुण सन्यासी है, ये सन्यास के नियमों का कैसे पालन करेगा, सन्यास इतना लंबी अवधि को कैसे जिएगा, तो मैं इसको वेदांत सूत्र पढ़ाऊंगा।
वेदांत पढ़ाऊंगा ताकि ये संन्यास आश्रम को आसानी से ले पाए और चल पाए संन्यास आश्रम में। अब जैसे गोपीनाथ आचार्य बात सुनते हैं उनको बड़ा दुख होता है। दुख क्यों होता है कि भगवान ने सर्वम भट्टाचार्य के सामने आठों विकार प्रकट किए थे फिर भी वे भगवान को समझ नहीं पाते। तो सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं कि ये षडश्वम भगवान है, आप इनको ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो जो सर्वम भट्टाचार्य के अनुयायी होते हैं साथ में जो शिष्य होते हैं वे लोग बोलते हैं कि आप किस साक्ष्य के आधार पर ऐसा बोल रहे हो कि ये भगवान है, क्योंकि हम किसी को भी भगवान बोलते हैं तो साक्ष्य जरूर चलना चाहिए कि हम बोलते हैं मैं भगवान, तो आप कैसे भगवान प्रूफ करो। तो सर्व गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि मैं शास्त्रों के हिसाब से और जो आचार्यों से सुना है उसके हिसाब से इनको भगवान मानता हूँ। तो वे शिष्य बोलते हैं कि आपने अनुमान कैसे लगा लिया भगवान है। तो सर्व गोपीनाथ आचार्य कहते हैं भगवान के लिए अनुमान कभी भी नहीं लगा सकता। चार तरह के प्रमाण होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमान होता है और एक होता है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है कि जब हम अपनी आंखों से कुछ देख रहे हैं तो आप उसी को प्रमाण मानते हैं कि मैंने जो आंखों देखी ही को ही सत्य मानते हैं। अब इस आंखों देखी को सत्य मानने में एक बड़ा एग्जांपल आता है, जैसे गंगा है, गंगा भगवान के पैर से निकलती है, शिव जी सर पर धारण करते हैं और फिर गंगोत्री से बहती है। अब भौतिक आंखों से हम देखेंगे तो गंगा में से सिर्फ गंगोत्री से बहती निकलेगी, तो देखने वाला क्या कहेगा कि गंगा तो गंगोत्री से निकल रही है पर वाक आ रही है ऊपर वैकुंठ से, भगवान के चरणों से आ रही है, भगवान के चरणों से शिव जी अपने सर पर धारण कर रहे हैं और फिर नीचे आ रही है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक आप टीवी देखते हैं, टीवी में आपके घर में फोटो चल रही है, सब चल रहा है, तो क्या वो आपके घर में आके नाटक कर रहे हैं, कैसे आता है, सैटेलाइट से आ रहा है ना। तो एक भौतिक मनुष्य सैटेलाइट से आपके घर में दूसरे मनुष्य को चित्र को भेज सकता है, दिखा सकता है आपको, तो भगवान क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं मान सकते इसको, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमारा आंखें खुली है। जैसे अंधेरा हो जाएगा तो हमें अपनी आंखों से दिखेगा भी नहीं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को हम कैसे मान सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण तो सही है ही नहीं। फिर दूसरा आता है अनुमान लगाना, कि हमने अनुमान लगाया कि ये ऐसा कुछ हो रहा है। अब अनुमान प्रमाण में क्या दोष होता है कि जैसे एक कमरे में बंद है और बाहर खड़े हो और अंदर कोई टीवी चल रहा है और कोई टीवी को देख रहा है और टीवी के अंदर मियां बीवी का झगड़ा चल रहा है और आप बाहर खड़े हो, आपके लोगों को अंदर पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, तो आप गेट तोड़ के अंदर जाओगे और असल में क्या हो रहा है टीवी देख रहे हैं, तो अनुमान कैसे लगाओगे, ये अनुमान लगाना होगा हमारा। अनुमान प्रमाण भी गलत होता है। तीसरा आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो वेद है, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा 15वें अध्याय में कि वेदों को जानने का अध्याय मैं ही हूँ, वेद मैंने ही लिखे हैं और मैंने ही कहा है और मैं वेद का ज्ञाता हूँ। तो जो शब्द प्रमाण है ये सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे एक पुत्र को अपनी माँ पिता के बारे में जानना है तो अपनी माँ से पूछेगा ना कि मेरे पिता कौन है क्या है, माँ ही बता सकती है पुत्र को पिता के बारे में। वैसे ही वेद हमारे जो है माता कहलाते हैं, तो वे ही हमें ज्ञान दे सकते हैं हमें अपने पिता के बारे में। तो इसलिए गोपीनाथ आचार्य ने कहा था कि हम प्रमाण को नहीं मान सकते, प्रमाण अनुमान कैसे लगा सकते हो, अनुमान के भगवान के लिए अनुमान नहीं लगा सकते, भगवान की कृपा होती है तब आप भगवान को समझ सकते हो। गोपीनाथ आचार्य उस शिष्यों को कहते हैं कि जिसके ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाती है वो भगवान को समझ सकता है। इसके ऊपर बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृष्ण को ब्रह्म विवर लीला के बाद में, अत अपित देव पाद अंगुष द्वीर प्रसाद लेश अनुग्रह तेवी जनाति तत्व भगवत महिमा न चन्य एक अपि चिरम विचिन्ना। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, अत अपित देव कि आपकी जिस पे भी लेश मात्र कृपा हो जाती है भगवान वो आपको समझ सकता है, और जो जन्मों जन्मों को ज्ञान ले लेता है वो आपको कभी नहीं समझ सकता है। फिर दूसरा श्लोक जो भगवान ने गीता में खुद कहा है, नहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावेता मूढैव अभिजानाति लोकयम अजन्म अव्ययम्। भगवान कृष्ण ने गीता में कहते अर्जुन को, नहं प्रकाश सर्वस्य, मैं किसी के सामने प्रकाश नहीं होता हूँ और योग माया से ढका रखता हूँ, जिसको मैं प्रकट करना चाहता हूँ अपने आप को उसी के सामने मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा अर्जुन को, भक्त्या मां अभिजानाति यावनस्य सततः ततो मां तत्त्वते ज्ञाता विष्टे तत् अनंतरम्। भक्त्या मां अभिजानाति,
भगवान ने कहा कि जो भक्त है वो ही मुझे जान सकता है, हर कोई ज्ञान से मेरे को नहीं जान सकता कि मैंने वेद पढ़ ली, मैंने गीता पढ़ ली। आपके बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको गीता के 700 श्लोक आते हैं और उनको आप पूछोगे कि भगवान कौन है, उनको नहीं पता है। जबकि हर श्लोक से पहले कहा है भगवान उवाच है, भगवान उवाच है, पर वो भगवान कौन है वो नहीं समझ सकते। सारे श्लोक आते हैं, 700 श्लोक पूरे। भक्ति रत्न सिंधु में रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर कहा है, कृष्ण नामादि ना भवेत ग्रहण इंद्रिया सेवा उन्मुख जीवा तो स्वयं स्फूर्तय। कृष्ण के नाम आदि रूप लीला गुण जो है वो हमारे कुंठित इंद्रियों से नहीं आ सकते हैं। हम अब जब अपनी जीवा और को भगवान के नाम में या भगवान के प्रसाद देने में लगाते हैं तो वे अपने आप प्रकट हो जाते हैं हमारे अंदर। हम अपनी कोशिश से भगवान को प्रकट नहीं कर सकते हैं कि मैं कोशिश करूँ आज भगवान बहते थे तेरा भजन कर रहा हूँ आज आपको मेरे सामने प्रकट होना पड़ेगा। भगवान नहीं प्रकट होंगे, भगवान की जब इच्छा होगी तब प्रकट होंगे। तो सरोवर गोपीनाथ आचार्य ये सब श्लोक उनको कहते हैं, इनको जो सरोवर आचार्य के शिष्य थे जब वे पूछते हैं कि आपने किस अनुमान से किस प्रमाण से इनको भगवान मान लिया। फिर वो कहते हैं गोपीनाथ आचार्य कि सर्वभौम आप तो आपके सामने भगवान ने सारे आठों विकार प्रस्तुत किए फिर आप भगवान को नहीं जान पाए, तो इसके मतलब भगवान की आपके ऊपर कोई कृपा नहीं है। तो सर्वभौम गुस्सा हो जाते हैं इस बात से। सर्वभौम कहते हैं कि ठीक है आपने ये मान लिया कि मैंने मान लेता हूँ कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, पर आपके ऊपर कृपा ये मैं कैसे मान लूँ कि आपके भगवान ने कृपा करी। तो वो कहते हैं अरे मैं भगवान को जान पा रहा हूँ ये तो मुझ पर कृपा है, मैं चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानता हूँ, आप नहीं मानते थे मेरे पे कृपा तो भी तुम उनको मान पा रहे हो और आप भगवान ने कृपा करी तो भी आप उनको नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं है, तब आप भगवान को समझ नहीं पा रहे। फिर उसके बाद क्या होता है कि गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि सर्वभौम आचार्य कहते हैं कि मैं तो शास्त्रों के हिसाब से इनको भगवान नहीं मानता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान त्रियुग है, तो भगवान केवल लीला अवतार करने के लिए तीन युग में आते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आपने ये बोल दिया कि भगवान त्रियुग है तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान सत्युग त्रेता द्वापर युग में त्रियुग में आते हैं लीला अवतार के रूप में, पर एक भगवान का युग अवतार भी होता है, आप युग अवतार को कैसे भूल गए हो कि भगवान हर युग में सत्युग त्रेता द्वापर युग कलयुग में अलग रूप में अवतार लेके दर्शन देने के लिए आते हैं, तो आपने ये कैसे मान लिया कि ऐसा नहीं होता। फिर आपने सारे शास्त्रों को तो मान लिया पर आपने महाभारत और जो भागवत में कहा गया भगवान के वर्णन के रूप वर्णन किया गया है उसको तो आपने माना नहीं, उसको कैसे नहीं मान लिया। महाभारत जो सबसे बड़ा ग्रंथ है और जो भागवतम सबसे बड़ा ग्रंथ है उसको तो आप मान नहीं रहे हो, और आपने आप जो वेदों में मान लिया वेदों में भगवान का मानना नहीं है, आपने मान लिया कि जिसने वहां पर भगवान नहीं है, ये कैसे कह सकते हो। फिर वो कहते हैं गोपीनाथ आचार्य महाभारत का श्लोक सुनाते हैं, सुवन वन हे मम वर अंग्री चंदन अंग्री संन्यासा शांति प्राय। जो महाभारत का श्लोक है कि भगवान का कलयुग के अंदर सुवर्ण के होंगे, सोने के जैसा उनका रंग होगा और बहुत ही सुंदर होंगे वे दिखने में, और संन्यास लेके संन्यास का वैराग्य का प्रचार करेंगे, ये महाभारत का श्लोक है। फिर भागवतम का श्लोक वे बोलते हैं उनको, भागवतम में जब गर्भमुनि नंद महाराज का घर पे गोकुल में जाते हैं भगवान का नामकरण करने के लिए, तब गर्भमुनि नंद महाराज को बोलते हैं कि आपका ये जो पुत्र है पिछले के पहले के योगों में उसका रंग सफेद था, लाल था और श्याम था, और इस युग में ये कृष्ण रंग का है, काले रंग का है। तो ये मतलब क्या हुआ कि पहले के योगों में भगवान अलग अलग युग मतलब लेते रहते हैं, पहले युग में आप सतयुग में सफेद रंग के थे, त्रेता युग में लाल रंग था, द्वापर में अभी काले हैं और कलयुग में इनका वंश पीला रंग के होते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक वो बताते हैं जो भागवत में आता है, कृष्ण वर्णम त्रिशा अकृष्णम संग उपम अस्पार्शदम यक्ष संकीर्तन प्राय एजंति सुमेधसा। ये युग अवतार का वर्णन करते कर भजन मुनि महाराज भीमी को 11वें कैंटो में आता है, तब ये बताते कि कलयुग में भगवान कृष्ण वर्ण कृष्ण का वर्णन करेंगे पर त्रिशा अकृष्णम उनका शरीर का रंग कृष्ण जैसा नहीं होगा, पीला होगा काला नहीं होगा, और संकीर्तन के माध्यम से वे भगवान की सेवा करेंगे। तो सर्वभौम ये श्लोक सब सर्वभौम आचार्य को गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि शास्त्रों में इतना बड़ा प्रमाण है और फिर भी आप इनको भगवान नहीं मान रहे हो, आप किस बुद्धि से इनको नहीं मान रहे हो।
तो गोपिंद सौ भट्टाचार्य कहते हैं ठीक है मैंने आपकी सारी बात सुन ली, अब आप जाइए और उनको बोलिए चैतन्य महाप्रभु को कि मैं उनको वेदांत सूत्र पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर वे गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दोनों जाके जब चैतन्य महाप्रभु को सारी घटना बताते हैं तो महाप्रभु देखिए तनादि सुरिंचना अमानी न मानदेन करते ने सदा हरी। महाप्रभु वो किसी मूर्ति थे, वे इतने ज्ञाता थे, पर ऐसा नहीं है कि सबको ऐसे बोलने लगे चलो कहाँ सबको मैं चाहता हूँ, ऐसे नहीं मानता मेरे को भगवान, मैं चाहता हूँ मैं उसको प्रूव करता हूँ। नहीं, भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं भगवान हूँ भी नहीं, मैंने कब कहा मैं भगवान हूँ, और वे मेरे लिए इतने विनम्र हैं, वे सोचते हैं कि मैं तरुण सन्यासी हूँ मेरा पतन हो जाएगा तो मुझे वेदांत सूत्र पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें गलत क्या है? ठीक है, उनको पढ़ाने दीजिए मुझे वेदांत सूत्र को। ठीक है, ऐसी बात होती है। तो अगले दिन स्वर्गम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु दोनों जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद में स्वर्गम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को एक आसन देते हैं और कुछ नीचे बैठ जाते हैं। देखिए बहुत शिष्टाचार था स्वर्गम भट्टाचार्य में, ऐसा नहीं था कि शिष्टाचार सन्यासी थे उनको ऊपर आसन दिया। स्वर्गम भट्टाचार्य की उम्र बहुत बड़ी थी और सन्यास का दर्जा जो एक उम्र से बड़ा होता है, तो इसलिए उनको आसन दिया गया। तो जब भी अगर हमें भी कोई सन्यासी के दर्शन हो चाहे किसी भी परंपरा के हो, हमें उसी समय उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर हम प्रणाम नहीं करते हैं तो हमें उस दिन उपवास रखना होता है, ये शास्त्रों में कहा गया है। ठीक है, तो स्वर्गम भट्टाचार्य फिर कहते हैं महाप्रभु को कि मैं आपको वेदांत सूत्र पढ़ाऊंगा, आप उसको सुनिए। महाप्रभु कहते हैं ठीक है, मैं अज्ञान नहीं हूँ, आप मुझे वेदांत सूत्र पढ़ाइए। तो वे 7 दिन तक पूरे वेदांत सूत्र महाप्रभु को सुनाते हैं। महाप्रभु बिल्कुल चुपचाप एक शब्द नहीं बोलते हैं और सुनते रहते हैं। अब बीच बीच में उनको ये लगता है कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सबको मतलब लगता है कि महाप्रभु कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो इनको कुछ समझ में आ भी रहा है कि ऊपर से जा रहे हैं। तो 7 दिन तक पूरी होने के बाद में फिर स्वर्गम भट्टाचार्य महाप्रभु से पूछते हैं कि आप इस 7 दिन तक मेरी सुनते रहे तो आपको कुछ समझ में भी आया कि सब ऊपर से गया, कि मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ और आप कुछ बोल ही नहीं रहे, तो हुआ क्या, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तब महाप्रभु उनको कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ समझ में आया, पर वेदांत सूत्र को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ, समझ पाया हूँ, पर आपने जो व्याख्या की है वो मेरी समझ में नहीं आई। कि वेदांत सूत्र व्यास जी का रचित है, वो बहुत ही सुंदर रचना है, वो उपनिषदों का सार है और उसमें भगवान का बहुत सुंदर वर्णन किया है, पर आपने उसको ढक दिया है जैसे एक सूर्य को बादल ढक देता है, तो मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कहते हो कि भगवान में निराकार है, पर भगवान जब भौतिक दृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं तब भौतिक दृष्टि भौतिक प्रकृति चलायमान होती है। अगर दृष्टि नहीं होती भगवान की तो प्रकृति को चलायमान कैसे करते हैं? जैसे आप मुसलमान लोगों को देखोगे तो मुसलमान लोग निराकार होते हैं, तो वे जाके प्रार्थना करते हैं मस्जिद में। तो कई बार जैसे महाराज जी बता रहे थे कथा में कि प्रार्थना करी उन्होंने, तो एक मुसलमान से पूछा कि आपने प्रार्थना करी तो भगवान सुनेंगे कैसे? आप तो कहते उनके कहा नहीं है, निराकार है वो, तो आपने प्रार्थना किसको करी, सुनेगा कौन आपकी प्रार्थना को? तो इसलिए निराकार जो लोग होते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, बस कर रहे जा रहे हैं। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं स्वर्गम भट्टाचार्य को कि आप भगवान को निराकार बता रहे हो, भगवान षड् ऐश्वर्य पूर्ण है, उनके अंदर 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, उनकी भौतिक शक्ति है, उनकी अविद्या शक्ति है, तो आप कैसे उनको ऐसा बोल सकते हो? फिर बोलते हैं कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के फिर 3 अलग रूप है, आह्लाद शक्ति, संबित शक्ति, संदिनी शक्ति, ये 3 शक्तियां भगवान की है। सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान का, और भगवान सभी को, भगवान और एक जीव में एक अनुजीव है और एक पिछली आत्मा है, तो भगवान तो सबसे ऊपर है, परमात्मा है, वो भी जीव का पालन करते हैं, आप उन दोनों को सेम कैसे बता सकते हो? एक जीव के अंदर भगवान की जितनी 64 जो गुण है वो पूरे रूप में हो ही नहीं सकते कभी भी जीव के अंदर, तो आप भगवान को जो रूप बता रहे हो मैं इसको नहीं मानता हूँ। उपनिषदों में कहीं कहीं क्या कहा गया है कि भगवान को निराकार में वर्णन किया गया है, उससे इसको वहां पे वर्णन करने का ये तात्पर्य था कि भगवान की भौतिक इंद्रिया नहीं है, जैसे हमारी जो आंखें हैं तो हम जो अंधेरा होगा नहीं देख सकते हैं, पर भगवान की आंखें या भगवान के हाथ हो या पैर हो वो सभी इंद्रिया समान है, वे किसी भी इंद्रिय से देख सकते हैं, किसी भी इंद्रिय से खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी भौतिक इंद्रिया नहीं है। तो जब शास्त्रों में वर्णन आता है कि उपनिषद में कि भगवान की इंद्रिया ऐसी है तो उसका मतलब ये है, तो महाप्रभु ने सब ये बात उनको समझाई। इतना कुछ बहुत देर तक सब कुछ समझाने के बाद में स्वर्ग भट्टाचार्य फिर भी कुछ समझ नहीं पाते हैं,
बहुत तर्क वितर्क करते हैं, बहुत महाप्रभु उनको फिर समझाते हैं। उसके बाद में महाप्रभु उनको जो शंकराचार्य थे उनकी बताते हैं कि शंकराचार्य कौन थे। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने खुद विष्णु ने शिव को कहा था कि आप कलयुग में आप अवतार लीजिए और आप मुझे ढक दीजिए और वेदों को जो प्रसार उसको ढक दीजिए और ऐसे प्रचार कीजिए कि लोग भौतिक प्रगति पे ध्यान दें और जनसंख्या में वृद्धि हो, ऐसा भगवान उनको आदेश देते हैं शिव जी को जो शंकराचार्य रूप में। शिव जी फिर अपनी पत्नी को भी बताते हैं कि मैं ब्राह्मण के रूप में जन्म लूंगा और वेदों को जैसे गौतम बुद्ध ने ढका है वैसे ढक दूंगा और मैं प्रचार करूंगा। कि पद्म पुराण में शिव जी ने शंकराचार्य जो मायावाद के मेन पटाधीश है उन्होंने ये चीज बोली है। तो जब सर्वमठाचार्य ने ये बात सुनी महाप्रभु के मुँह से तो वे स्तंभित रह गए। उसके बाद में महाप्रभु उनको एक बहुत ही सुंदर श्लोक सुनाते हैं आत्माराम का, जो फर्स्ट कैंटो में आता है। आत्मा आरामाय च मुनयः निर्गंध अपि गुरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकि भक्ति इदं भूत गुणा हरि। जो श्लोक का क्या मतलब है कि आत्मारामाय च मुनयः, जो आत्माराम है जो खुद में संतुष्ट है वो भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है। भगवान की इतनी सुंदर और भगवान की लीला इतनी सुंदर है कि वो जो अपने आप में संतुष्ट है उसको कुछ भी नहीं चाहिए जगत से, वो भी भगवान की सेवा में आकर्षित हो जाता है। तो जैसे ही सर्वमठाचार्य ये श्लोक महाप्रभु को सुनते हैं तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। देखिए क्या होता है, जो आत्माराम जैसे हम समझते हैं जो चार कुमार थे, वे निर्विशेषवादी थे चार कुमार, और जो सुखदेव गोस्वामी थे वे भी भगवान के रूप को नहीं मानते थे। पर जब चार कुमार भगवान के वैकुंठ में गए दर्शन करने के लिए, जब जय विजय ने उनको रोक लिया, तब उस समय भगवान विष्णु अपने लक्ष्मी पत्नी के साथ में उनसे द्वार पे मिलने के आते हैं वैकुंठ पे। तो जब द्वार पे आते हैं तो उनके चरणों में जो तुलसी होती है उनकी सुगंध चार कुमारों के नाक में जाती है, तो उस तुलसी की सुगंध से वे भगवान के रूप को मानने लग जाते हैं जो भगवान को निराकार मानते थे। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जी थे जो व्यासदेव जी के पुत्र जिन्होंने भागवतम पूरा कही है, तो वे भी भगवान के रूप को नहीं मानते थे। पर उन्होंने जब दो श्लोक सुने थे बहरा पीड़म नटवर वसु कर्ण कर्णिकारम विपत वास कनक कपीशम रजन तीन चमालम रंध्रान मेनु अदर सुदिया अप्रियम को बंदे वंदा अरण्य सपाद रवना प्राविशत कीर्ति कीर्ति ही। जो ये भगवान के रूप का सबसे सुंदर भागवतम में श्लोक है वर्णन का, बहुत से श्लोक भगवान के रूप का वर्णन करते हैं पर ये सबसे सुंदर श्लोक है जो भगवान के रूप का वर्णन करता है। बहरा पीड़म जिन्होंने मोर पंख लगा कर है, नेटवर्क वो जिन्होंने नेटवर्क के जैसे पोज बना रखी है, करने और करने कान में करने का फूल लगा रहे, विभत वास पीले वस्त्र पहन रखे हैं, होठों पे बांसुरी लगा रखी है और बांसुरी में हवा भर रहे हैं और अपने मित्रों के साथ में वे वन में प्रवेश कर रहे हैं, ये भगवान के रूप का श्लोक में सुनते हैं। और सुनते हैं अहो बकी यतस्तन काल कूटम जिंगा से अपे साधवी लेवे गति धातिरुस्ताम तत्काम अन्यम शालु भजन दयालु भजन। ये श्लोक कहता है भगवान के दयालु को बताता है कि एक जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी विष लगा के, उसको भगवान ने अपनी माता का दर्जा दे दिया, तो इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। तो ये दो श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी फिर भगवान के रूप को मानने लगते हैं। तो महाप्रभु ने ये बताया कि भगवान का रूप तो इतना सुंदर है कि ये इनको भी आकर्षित कर लेता है, आत्माराम को भी, और आप उसको निराकार कैसे बनाते हो। तो सर्वमठाचार्य ने कहा कि मैं आपकी इस जो आत्माराम श्लोक है इसकी व्याख्या सुनना चाहता हूँ। इसकी क्या है, बहुत सुंदर व्याख्या है, महाप्रभु ने इसकी 64 तरीके से व्याख्या की जिस इस आत्माराम श्लोक की। उसके अंदर निर्विशेषवादी का दिया, मायावादी का दिया कि कैसे मायावादी आकर्षित होता है भगवान की तरफ, कैसे वो होता है। तो पहले महाप्रभु ने कहा कि आप पहले इसके वर्णन कीजिए, श्लोक को आप कैसे समझते हैं। तो सर्वमठाचार्य ने 9 तरीके से इसका वर्णन किया। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि आप तो साक्षात बृहस्पति के अवतार हो, इतना सुंदर वर्णन इस जगत में और कोई कर नहीं सकता है। फिर महाप्रभु उसको 18 तरीके से उस श्लोक की व्याख्या करते हैं, आत्माराम श्लोक की। जब महाप्रभु से इस श्लोक की व्याख्या सुनते हैं वो, तो वो कहते हैं, वो उसी समय भगवान की शरण ले लेते हैं कि मैंने गलती कर दी, मैंने इनको भगवान नहीं माना है, इनके चरणों में मैं शरण लेता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। तो जैसे ही मन में भाव आता है, वे बोलते नहीं कुछ भी, सर्वमठाचार्य खाली मन में भाव आता है। जैसे मन में भाव आ जाता है तो भगवान उनको फिर कृपा करने की इच्छा है। मैंने पहले बताया ना अतपित देव पाद अबुस दुरी, कि भगवान की जिसपे कृपा करने की इच्छा हो जाएगी भगवान उस पर कृपा कर देते हैं।
फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की तो उनको फिर चतुर्भुज रूप दिखाया ना विष्णु का रूप दिखाया। फिर विष्णु का रूप दिखाने के बाद उन्होंने अपना कृष्ण का रूप दिखाया, वासु धारण के श्याम सुंदर रूप दिखाया। कई जगह वर्णन है जैसे चैतन्य भागवत में कहते हैं कि इस समय उन्होंने महाप्रभु ने उनको षडभुज रूप दिखाया, जैसे त्रेता युग में राम बने और द्वापर के कृष्ण और कलयुग के चैतन्य महाप्रभु, छह रूप एक साथ उन्होंने दिखाया, षडभुज रूप दिखाया। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने ये वर्णन किया कृष्ण के गोस्वामी जी ने, तो उसके बाद में जैसे ही रूप का वे देखते हैं तो वे साष्टांग भगवान को प्रणाम करते हैं। अभी तक प्रणाम नहीं किया उन्होंने, फिर आप उस समय उनको भगवान को प्रणाम करते हैं सर्वम भट्टाचार्य। फिर सर्वम भट्टाचार्य भगवान को प्रणाम करने के बाद में उनकी 100 श्लोक करके रचने के बाद में और 100 श्लोक से उनकी स्तुति करते हैं। तो महाप्रभु जब सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आलिंगन करते हैं। अब जैसे ही महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं उनके अंदर प्रेम पूरा व्याप्त हो जाता है, वो नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। सर्वम भट्टाचार्य देखिए बहुत बुजुर्ग थे और सब लोग बहुत उनको आदर करते थे क्योंकि बहुत गंभीर व्यक्ति थे, और ऐसे वे ऐसे कोई गंभीर व्यक्ति अपने बीच बैठा एकदम से नाचने गाने लग जाए रोने लग जाए तो सब हंसने लगे कि सर्वम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं सर्वम। तो वो तो अपनी धुन में थे ही नहीं, वो तो भूल चुके थे क्योंकि महाप्रभु का प्रेम उनको मिल चुका था, भगवान की कृपा मिल चुकी थी, तो वो तो भूल चुके थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे काफी देर तक। तो गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आपने क्या कर दिया इनके साथ में। तो महाप्रभु कहते हैं आप जगन्नाथ जी के भक्त हैं, आपने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी है इसलिए जगन्नाथ जी ने इनके ऊपर कृपा कर दी है। फिर महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य को शांत करते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर वे महाप्रभु से कहते हैं कि आपने कितने लोगों को उद्धार कर दिया होगा, पर मैं ज्ञान वेद और सब पढ़ के इतना अपने आप को ढक लिया था मैंने कि मैं आपके रूप को पहचान नहीं सका, आपने मेरा उद्धार करके मेरे को बहुत कृपा करी है, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। और ऐसा बोल के वे अपने चैतन्य महाप्रभु अपने घर चले जाते हैं और सर्वम भट्टाचार्य घर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है अगले दिन, अब थोड़ी सी लीला बच्चे बता देता हूँ आपको। अगले दिन क्या होता है सर्वम, आप अभी तक बोल तो नहीं हो रहे लीला समझ में आ रही सबको, सर्वम भट्टाचार्य पूरा, फिर सर्वम भट्टाचार्य सॉरी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाते हैं अगले दिन। तो दर्शन करके वे वापिस सर्वम भट्टाचार्य के मिलने के लिए आते हैं। तो जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं चैतन्य महाप्रभु तो पुजारी उनको माला और प्रसाद देता है। तो उस समय सुबह का टाइम होता है, मंगला के दर्शन करके महाप्रभु आ रहे होते हैं। तो सर्वम भट्टाचार्य उस समय उठे ही होते हैं सुबह सुबह, तो जैसे महाप्रभु बाहर ही खड़े रहते हैं कि सर्वम भट्टाचार्य उठते हैं तो क्या करते हैं, तो वे उठते हैं और कृष्ण कृष्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं सुबह सुबह उठते ही। तो हम भी जब भी सुबह उठें तो हमारे कमरे में कहने के भगवान की फोटो में चीजें हमें अपनी नजर पड़े और हमें मंगलाचरण करके उठना चाहिए, भगवान का नाम लेकर उठना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए, फिर हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये शिक्षाएं देते हैं कृष्ण कृष्ण लगे सर्वम भट्टाचार्य उठे तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर महाप्रभु अंदर प्रवेश करते हैं तो सर्वम भट्टाचार्य उनको अंदर प्रणाम करते हैं और महाप्रभु उनको बैठाते हैं नीचे। फिर महाप्रभु उनको प्रसाद देते हैं। तो महाप्रभु देखना चाह रहे थे कि जो वेदों में क्या कहा गया है कि जब तक आप स्नान नहीं कर लो और सब नित्य क्रिया से मुक्त न हो जाओ आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु भी ये देखना चाह रहे थे कि अभी भी इनके अंदर वेद की रुचि है या वेद को भूल गया, भगवान के प्रसाद के ऊपर इनकी आस्था बढ़ी है। तो अब जैसे ही महाप्रभु उनको प्रसाद देते हैं तो सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं पद्म पुराण का श्लोक होते हैं कि भगवान का प्रसाद चाहे बाहर वासी हो चाहे दूर से लाया गया हो या कैसा भी हो उसको उसी समय ग्रहण करना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि हमने स्नान किया है कुछ किया है कुछ किया नहीं किया। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु कहते हैं आज मैंने वैकुंठ को पा लिया, आज मैंने 3 लोगों को जीत लिया और सर्वम आज तुम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो चुके हो क्योंकि तुमने वेदों को ना मान के भगवान के जो प्रसाद को महान माना है और उसको ग्रहण किया, तो आज तुम देहात्म बुद्धि से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। और वे दोनों बहुत देर तक आलिंगन करके नृत्य करते हैं। अगले दिन से क्या होता है सर्वम भट्टाचार्य शिक्षा दे रहे होते हैं तो भगवान के रूप का वर्णन कर रहे होते हैं, जो आज तक जो भी पढ़ा रहे होते निराकार के भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है, और फिर सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं भगवान तो मोर पंख लगा के रहते हैं, भगवान आंसू करके रहते हैं, पूरा चेंज हो गया है सर्वम भट्टाचार्य। तो जब ये गोपीनाथ आचार्य देखते हैं तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं कि क्या भगवान ने इनको चेंज कर दिया है। सर्वम भट्टाचार्य एक बार महाप्रभु से मिलते हैं तो पूछते हैं कि भक्ति की विधियों में जो नवदा विधा भक्ति है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हरे नाम हरे नाम हे केवलम कलम नास्ते 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 गति रहने का,
कि हरि के नाम के अलावा इस कलयुग में और कुछ भी विकल्प नहीं है। स्वयं भट्टाचार्य कोई शिक्षा देते हैं। एक बार क्या होता है कि जगन्नाथ पंडित और दामोदर पंडित स्वरूप भट्टाचार्य के घर पे आते हैं, तो स्वरूप भट्टाचार्य उनको एक तालपत्र कुछ लिख के देते हैं कि आप जाके महाप्रभु को दे देना। तो जैसे महाप्रभु से मिलने के लिए जाते जगन्नाथ पंडित, उससे पहले मुकुंद उनको रोक लेते हैं। तो उसमें उन्होंने दो श्लोक रचे होते हैं महाप्रभु के लिए स्वरूप भट्टाचार्य ने, बहुत ही सुंदर श्लोक है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा अर्थम एक पुरुष प्राण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृष्ण कृपा मुदित तमाम प्रभव दे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा अर्थम एक पुरुष प्राण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा अमूदि यत तहम प्रपदे। ये श्लोक उसमें लिखा होता है। इसका क्या मतलब है कि वैराग्य विद्या कि महाप्रभु ने संन्यास लेके वैराग्य विद्या से खुद की भक्ति करना सिखाया। कृष्ण बोल के चले गए कि सर धनबान परिद्याज मामेकम शरण व्रज हम कौम सर पापे भी मोक्ष मा सुच। पर करना कैसे है इसको, इसको करने के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास के रूप में सन्यासी के रूप में प्रकट हुए हैं और इस अपने खुद के आचरण से सिखा रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसे करनी है। फिर दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं वो सर्व भट्टाचार्य श्लोक के बेचते हैं कि जो भगवान की विद्या थी जो भक्ति थी भक्ति योग था वो लुप्त हो गया, तो जो कृष्ण इतने सुंदर हैं वो खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और जो भक्ति योग लुप्त हो गया था उसकी शिक्षा वापिस दे रहे हैं। ये दो श्लोक उन्होंने लिखे थे। तो मुकुंद ने क्या किया, वो दोनों श्लोक लिखे और लिख दिए दीवारों पर, क्योंकि महाप्रभु को वो श्लोक मिलता, महाप्रभु क्या बड़े हीन थे, वो क्या अपने आप को बड़े हीन समझते थे, वो अपने आप को भगवान के रूप में कभी प्रकट ही नहीं करते थे। तो जैसे ही महाप्रभु ने वो तालपत्र देखा उसको फाड़ के फेंक दिया। पर जब तक तो मुकुंद तो दीवारों पर लिख चुके थे तो सभी भक्तों ने उसको कंटेस्ट कर लिया था और महाप्रभु को सुनाया जा रहे थे, तो महाप्रभु बड़े दुखी होते थे पर फिर भागते तो नहीं क्या करेंगे। तो ये लीला स्वरूप भट्टाचार्य के साथ होगी। फिर एक आखिरी लीला का वर्णन आता है कि स्वरूप भट्टाचार्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो एक श्लोक है भागवतम का वो जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को कहा था, तत्ते अनुकंपा सूक्ष्मिक्ष मानो भुंजान एव आत्कत विपाकम इर्थ भाग बपुर विद्या नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे से धाय भाग। ये मुक्ति पदे जो वर्ड था इसको स्वरूप भट्टाचार्य करते थे भक्ति पदे, क्योंकि वो मुक्ति से इतना घृणा करने लगे थे। देखिए जो मुक्ति पाना जा रहा है जो मायावादी का चाहता है वो मुक्त होके जो भगवान के ब्रह्म ज्योति उसमें लीन होना चाहता है। और अब इनका देखिए वो कहते हैं मुक्ति शब्द से उनको घृणा हो गई कि श्लोक में मुक्ति शब्द क्यों है, यहाँ पे भक्ति शब्द होना चाहिए। तो महाप्रभु को जब भी बोलते हैं महाप्रभु कहते हैं कि नहीं हमें श्लोक को बदलने का अधिकार नहीं है, ये शुद्ध गोस्वामी जी ने रचना की है और यहाँ पे मुक्ति पद का मतलब भी भगवान खुद है, भगवान मुक्ति मुक्ति पद भी भगवान का नाम है कि हम मुक्ति पा रहे हैं भौतिक जगत से हमारे भव बंधन से हमारे जो ये हमने ध्यात्म बुद्धि की रचना करी हमारे ऊपर इससे हम मुक्ति पा रहे हैं, इसका ये अर्थ है। ना कि आप जो मुक्ति का सालों के सालों में शास्त्री सायुज्य उस मुक्ति से इसका अर्थ नहीं है। फिर भी सर्व कहते हैं नहीं महाप्रभु मुझे मुक्ति शब्द नहीं अच्छा लगता है, मुझे ये शब्द नहीं सुनना। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि आपकी जो इच्छा फिर आप कीजिए, क्योंकि देखिए मन में सोचते हैं महाप्रभु की जो आज तक मुक्ति पाना चाह रहा था वो मुक्ति शब्द से ग्रहण लगने लग गया। तो महाप्रभु की कृपा ऐसे होती है। तो इस रूप में महाप्रभु ने सर्व भट्टाचार्य की कृपा की और ये मैंने आपको सारा वर्णन किया है। अब किसी का भी कोई भी थोड़ी जिज्ञासा हो या कोई टिप्पणी हो मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाया पूरा इसको, कोई भी कुछ गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ ऐसे।